हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर्युषण पर्व के दूसरे कुशल वाटिका में शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गिरनार भक्त मंडल ने शंखनाद की ढोल की धुन के साथ किया भगवान का पक्षाल व केसर पूजा। पर्युषण पर्व के दौरान दुल्हन की तरह सजा कुशल वाटिका। मुनि सुव्रत स्वामी भगवान की सजी भव्य आंगी। बाड़मेर अहमदाबाद रोड पर स्थित कुशल वाटिका में विश्व का द्वितीय राजहंस मंदिर में पर्युषण पर्व के दूसरे दिन शनिवार को सोशल डिस्टेंस के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। कुशल वाटिका ट्रस्ट के उपाध्यक्ष द्वारका दास डोसी व कोषाध्यक्ष बाबूला टी बोथरा ने बताया कि शनिवार को बाड़मेर शहर के समीप कुशल वाटिका प्रांगण में स्थित जिन मंदिर में कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर पर्युषण पर्व के दूसरे दिन शनिवार को कुशल वाटिका पहुंचकर हजारों जैन धर्मावलंबियों ने दर्शन किए, जिसमें बाड़मेर शहर सहित आसपास के अन्य गांवों से जैन बंधुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां कुशल वाटिका में विराजमान मूल नायक मुनि सुव्रत स्वामी भगवान मंदिर, दादावाड़ी, नवग्रह मंदिर, गुरु मंदिर, देवी देवताओं मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन, पूजा अर्चना आदि की गई। बोथरा ने बताया कि शनिवार को कुशल वाटिका में प्रातः 8 बजे गिरनार भक्त मंडल द्वारा शंखनाद व ढोल की थाप लय व सुर के साथ गीत के माध्यम से भगवान का पक्षाल किया गया और विधि के श्लोक के साथ केसर पूजा की गई। भक्त कोरोना काल में केसर पूजा कर मन को शांति जैसा आनंद महसूस कर रहे थे। जैसे पर्युषण पर्व होते ही हजारों भक्त पहुंचे कुशल वाटिका, जहां कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल की ओर से भाता प्रभावना व प्रसादी की व्यवस्था की गई। पर्युषण पर्व के दूसरे दिन रंग बिरंगी रोशनी से सजा कुशल वाटिका व सजी भव्य आंगी। कुशल वाटिका में विश्व का द्वितीय राजहंस मंदिर में पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को रंग बिरंगी रोशनी व आंगी सजाई गई। कुशल वाटिका ट्रस्ट के मंत्री संपत राज बोथरा दिल्ली ने बताया कि बाड़मेर शहर के समीप कुशल वाटिका प्रांगण में पर्युषण पर्व के दौरान कुशल वाटिका में मुनि सुव्रत स्वामी भगवान मंदिर, दादावाड़ी, नवग्रह मंदिर, गुरु मंदिर, देवी देवताओं आदि मंदिरों के 2 दुधिया रोशनी व तोरण द्वारा सजाया गया व कोविड-19 के तहत सरकार के नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंस से मंदिर में दर्शन पूजा आदि का कार्यक्रम हुआ। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के पहले व दूसरे दिन कुशल वाटिका को भव्य तोरण द्वारा व लाइटिंग से सजाया गया व रात्रि में भगवान मुनि सुव्रत स्वामी की भव्य आंगी सजाई गई और रात्रि में आरती की गई। गणमान्य नागरिक सहित ट्रस्ट मंडल रहा उपस्थित। पर्युषण पर्व के दूसरे दिन कुशल वाटिका में शनिवार मेले में द्वारका दास डोसी, संपत राज बोथरा दिल्ली, रतनलाल संखलेचा, शंकरलाल बोथरा, चंपालाल छाजेड़, सज्जन राज मेहता, केवल चंद्र छाजेड़, रमेश सराफ, कैलाश धारीवाल, दिलीप जैन, शांतिलाल छाजेड़ मालेगांव, कवि गौतम चमन, बाबूलाल मालू, जवेरी लाल चोपड़ा, कैलाश हालावाला, गौतम गुलेच्छा इरोड, मनोज हालावाला, चंपालाल बोथरा, संपत राज बोथरा, संपत राज श्री श्री माल, विकास सिंघवी, संजय पापड़, प्रकाश चंद लूनिया, कपिल धारीवाल, अशोक राज पुरोहित, राहुल बोथरा, सुनील सिंघवी, शुभम वडेरा, महावीर संखलेचा, हितेश डूंगरवाल, प्रकाश विश्रोही सहित कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल, अखिल भारतीय खरतर गच्छ युवा परिषद केयू बाड़मेर व कुशल वाटिका मित्र मंडल, गिरनार भक्त मंडल व कई भक्तगण उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघावल की रिपोर्ट।